ये टाटा की 3118 LPT गाड़ी है और इसमें किलोमीटर नहीं चल रहा है और RPM भी पूरा नहीं आ रहा है। इस तरह का कंप्लेन लेके ड्राइवर आया है, तो अब इस गाड़ी को हम डायग्नोस भी करेंगे, मतलब इनलाइन मिनी लगा के चेक करेंगे कि फॉल्ट कोड क्या आ रहा है और फिर उस पर काम भी करेंगे। ये क्लस्टर मीटर को हमने ये ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद जो है इसमें MIL लैंप और चेक इंजन लैंप दोनों ही लाइट आ रहा है और ड्राइवर का कंप्लेन है किलोमीटर नहीं चल रहा है और RPM नहीं बता रहा है। ये गाड़ी एक बार हमारे पास पहले भी आई थी तो इसका रिटर्न सिग्नल व्हीकल स्पीड सेंसर का लूज था, उसको हमने टाइट कर दिया था, उसके बाद भी नहीं बता रहा था किलोमीटर, तो हमने इस गाड़ी का व्हीकल स्पीड सेंसर चेंज कर दिया था और किलोमीटर चालू हो गया था और गाड़ी हमने भेज दिया। उसके बाद क्या हुआ, ये फॉल्ट बार बार आ रहा है और अब तो ऐसा हो गया है कि मतलब वो फॉल्ट जा ही नहीं रहा है, मतलब RPM भी बढ़ नहीं रहा है और किलोमीटर भी नहीं चल रहा है और इसलिए गाड़ी वापस दोबारा आया है। तो इसको हम चेक करेंगे सही से, इसके वायरिंग में अगर कोई समस्या है तो उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। गाड़ी को अब हम स्टार्ट करते हैं। ये हमने गाड़ी को स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट करने के बाद ये जो ABS का इसमें फॉल्ट बहुत पहले से है इस गाड़ी में, मतलब ABS का कोई वायर या सेंसर ख़राब होगा तो उसके वजह से वो आता है, लेकिन MIL लैंप और चेक इंजन लैंप ये दोनों लाइट स्टार्ट होने के बाद चली जानी चाहिए, नहीं जा रही है और साथ साथ में किलोमीटर रनिंग गाड़ी में नहीं चल रहा है और RPM भी पूरा नहीं अचीव कर रहा है, मतलब RPM पूरा 2800 के ऊपर नहीं जा रहा है और अभी तो 2200 के ऊपर नहीं जा रहा, लेकिन 2800 के ऊपर जाना चाहिए अगर गाड़ी सही होती तो। तो इसको रेस करके देखते हैं कि RPM कितना रहता है। ये RPM मीटर जो है 2200 के ऊपर नहीं जा रहा है और MIL लैंप जला हुआ है, तो एक बार इसको हम स्कैन करेंगे और उसके बाद फिर इसका काम चालू करेंगे। ये स्कैनर को हमने जोड़ दिया है और जोड़ने के बाद जो है ये इग्निशन ऑन रखा हुआ है। अब ये हम फॉल्ट कोड इंजन पे जाएंगे तो फॉल्ट कोड दिखा रहा है, 1 एक्टिव फॉल्ट और 2 इनएक्टिव फॉल्ट। अब इसके ऊपर जब जाते हैं तो जाने के बाद हमें 241 और 2182 और 4948, मतलब तीन फोल्ड कोड है जिसमें से एक एक्टिव है, 241 व्हीकल स्पीड डेटा इरेटिक इंटरमिटेंट और इनकरेक्ट, उसका एक काउंट है और वो एक्टिव है, और 2182 इंजन ब्रेक एक्चुएटर ड्राइवर सर्किट वोल्टेज अबो और नॉर्मल शॉर्टेज टू हाई सोर्स, इसका काउंट 10 है, और 4948 परफॉर्मेंस बेसिक सिलेक्शन स्विच वोल्टेज अबो नॉर्मल शॉर्टेड टू हाई सोर्स, इसका काउंट 44 है। तो एक्टिव फॉल्ट जो है उसके ऊपर हम काम करेंगे, जो किलोमीटर अगर सर्किट उसका ओके हो गया तो ये एक्टिव फॉल्ट इनएक्टिव हो जाएगा और मिट भी जाएगा, क्लियर करेंगे यहाँ से तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन उस पर काम करने के बाद। तो 241 व्हीकल स्पीड सेंसर का कोई भी समस्या अगर आती है तो ये 241 का एक्टिव फॉल्ट कोड जो दिखा रहा है ये आएगा ही आएगा, और उसके साथ साथ में अगर 4948 भी आता है, ये कॉमन फॉल्ट कोड है 4948 व्हीकल स्पीड डेटा एरेटिक इंटरमिटेंट और इनकरेक्ट, ये 241 फॉल्ट कोड आने के बाद ये फॉल्ट कोड 4948 का कॉमन है, तो जैसे इसका हम काम कर देंगे ये भी नहीं आएगा। और एक ये फॉल्ट कोड 10 बार काउंट हुआ है इंजन ब्रेक एक्चुएटर ड्राइवर सर्किट का, इसको भी हम देख लेंगे। तो अब इस पर काम चालू करते हैं। ये वो हमारा व्हीकल स्पीड सेंसर है। अब इसके सॉकेट को हम बाहर निकालेंगे और सॉकेट निकालने के बाद इसमें सर्किट चेक करेंगे। ये जो सॉकेट को हमने बाहर निकाला है, बाहर निकालने के बाद ये जो सफ़ेद कलर का वायर दिख रहा है ये सॉकेट के बीच में लगता है, थोड़ा सॉकेट छोड़ा था धीरे से, सॉकेट के बीच में लगता है इस तरह से।
ये यहाँ से ये बीच में वाइट कलर का जो दिख रहा है उसके अंदर जो है इसके अंदर वोल्टेज दिखाना चाहिए। सॉकेट निकालने के बाद 3.5-4 वोल्ट का वोल्टेज दिखाना चाहिए। और ये जो ग्रे कलर का दिख रहा है ये वाला, ये ग्राउंड का वायर है, इसमें ग्राउंड आना चाहिए। और ये जो पीला सॉकेट में पीला है लेकिन एक्चुअली वायरिंग के अंदर जो है ये लाल कलर का वायर होता है ये वाला, तो ये लाल कलर का जो वायर है इसमें वोल्टेज आना चाहिए, ग्रे कलर में ग्राउंड आना चाहिए, और ये वाइट कलर में जो बीच में लगा है इसमें वोल्टेज आना चाहिए सॉकेट निकालने के बाद। तो ये हमारा सर्किट इस तरह से पूरा होता है। तो अब इसको हम फटाफट चेक कर लेते हैं। ये मल्टीमीटर को हम चालू कर लेते हैं, पहले वोल्टेज चेक करेंगे। तो ये डीसी वोल्ट पे रख लेना है और उसके बाद इसके अंदर 0.0 वोल्ट दिखा रहा है। अब ये मल्टीमीटर को वोल्टेज पे हमने सेट कर दिया है। सेट करने के बाद से जो है पहले वोल्टेज चेक करेंगे। तो ये हमने ग्राउंड के पिन में लगा दिया, ये जो वायर दिख रहा है ये ग्राउंड का है, ये ग्राउंड के इसमें लगा दिया हमने मल्टीमीटर। अब ये लाल वाले वायर में जो है, इस लाल वाले वायर में वोल्टेज आना चाहिए 24 वोल्ट का, तो इस पर हम लगा रहे हैं और ये वोल्टेज जो है 0.0 ही दिखा रहा है, मतलब इस वायर में समस्या है। उसके बाद हम ये दूसरे वायर को चेक करेंगे यहाँ पे, ये देखिए इस पर लगाने के बाद 3.5 वोल्ट का, 3.4 वोल्ट का करंट दिखा रहा है, मतलब हमारा ये सफ़ेद वायर सही है और ये ग्राउंड भी सही है, ग्राउंड आ रहा है तभी इसमें वोल्टेज आ रहा है। और ये हमारा जो लाल कलर का वायर है ये वाला, ये लाल कलर का जो मीटर से आता है और इसके अंदर 12 वोल्ट की गाड़ी है तो 12 वोल्ट और 24 वोल्ट की गाड़ी है तो 24 वोल्ट का करंट आना चाहिए, वो करंट हमें यहाँ पर नहीं मिल रहा। ये देखिए 0.0 दिखा रहा है, मतलब इस वायरिंग को हमें आगे जाके इस लाल कलर के वायर को जो पॉजिटिव वायर है इसको आगे डैशबोर्ड के बगल में सॉकेट दिया है उसमें हमें चेक करना है वहाँ पे वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। अगर वहाँ पे आता है तो वहाँ से यहाँ तक का वायर कहीं गड़बड़ हो गया है, अगर वहाँ पे भी नहीं आता है तो हमें मीटर बोर्ड में चेक देखना पड़ेगा कि मीटर बोर्ड के अंदर से जब ये वायर निकल के आता है यहाँ किलोमीटर सेंसर के लिए तो वहाँ से करंट आ रहा है कि नहीं। तो अब हम आगे डैशबोर्ड के पास चलते हैं। ये वायरिंग हार्नेस आता है बीच में से जॉइंट, अगर काउल उठाना हो और चेचिस बैठाना हो तो इसके लिए यहाँ पे जॉइंट दिया जाता है, ज़रूरत पड़ने पे हम इसे खोल सकते हैं। तो इस वायरिंग के अंदर जो है ये देखिए, ये लाल कलर का जो वायर आया हुआ है ये लाल वाला, इसको हम थोड़ा साइड करते हैं दिखेगा, ये मीटर से आता है व्हीकल स्पीड सेंसर पे जाता है। तो इसमें चाबी ऑन करने के बाद 12 वोल्ट की गाड़ी में 12 वोल्ट और 24 की गाड़ी में 24 वोल्ट का करंट दिखाना चाहिए। तो ये वायर यहाँ पे इसके पहले हमने चेक किया था तब सही था, अभी यहाँ पे छिला हुआ है तो हमें डायरेक्ट चेक करना है, सिर्फ मल्टीमीटर लगा के चेक कर लेते हैं वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। ये हमने यहाँ पर प्रोब लगा दिया है मल्टीमीटर का और यहाँ से ग्राउंड देख लिया है, ग्राउंड यहाँ पे आता था। और उसके बाद ये देखिए ये यहाँ पे वोल्टेज नहीं दिखा रहा है, 0.005, ये इसका यहाँ पे 24 वोल्ट कम से कम आना चाहिए। तो वायरिंग हार्नेस के ऊपर नीचे का भाग तो हमने देख लिया था, ये वायरिंग हार्नेस के ऊपर के भाग में जो है नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये वायर जो है मीटर से आ रहा है वायरिंग यहाँ से। अब मीटर तक का वायर भी हम चेक कर लेंगे उसके बाद, इसमें वोल्टेज जब तक नहीं आएगा हमारा व्हीकल स्पीड सेंसर का सर्किट पूरा नहीं होगा, सर्किट पूरा नहीं होगा तो ECM जो है चेक लाइट तब तक देता रहेगा जब तक ये सर्किट पूरा नहीं होगा और RPM भी हमारा नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए हमें कंपलसरी इस वायरिंग हार्नेस के इसको हमें छुट्टा नहीं करना है, व्हीकल स्पीड सेंसर का जो वायर है ये वाला जो इसमें पॉजिटिव आता है जो मीटर के ग्रीन वाले सॉकेट में से निकलता है, तो हम सीधा मीटर को निकालेंगे और वहाँ से यहाँ का वोल्टेज चेक कर लेंगे। ये हमें मीटर को बाहर निकालना है चेक करने के लिए तो यहाँ पे लड़ेगा, तो इसको क्या काम करेंगे, हम व्हील खाली निकाल लेंगे और फिर मीटर को आसानी से बाहर निकाल सकते हैं।
ये हम जैसे ही इस कवर को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे ये व्हील का नट है, इसको भी हम खोल लेंगे। ये हमने ढीला कर लिया था, और ये खोलने के बाद उसके बाद ये व्हील पूरी तरह से बाहर निकल जाएगा इस तरह से। और व्हील निकलने के बाद जो है ये मीटर के चार नट को खोल लेंगे, और ये नट ढीला करने के बाद से जो है ये मीटर यहाँ से बाहर आ जाएगा और हमारा वायरिंग सॉकेट दिखने लगेगा। ये इस तरह से ये मीटर बाहर आ गया। अब वो जो लाल कलर का वायर जो हम ढूंढ रहे थे वो इस ग्रीन सॉकेट में आता है। एक यहाँ से जो यहाँ पावर सप्लाई जो है इसमें से एक लाल कलर का वायर और एक ये ग्रे कलर का वायर जो दिख रहा है इसमें पावर सप्लाई आता है और चाबी ऑन करने के बाद। और इसमें जो है इसमें से जो लाल कलर का वायर निकला है वो सीधा व्हीकल स्पीड सेंसर पे जाता है। अभी हमने जो वायरिंग सॉकेट देखा था काउल के बीच में, मतलब काउल के साइड में जो सॉकेट हमने देखा था, जो लाल कलर का वायर आया था वो वायर जो है इसमें आता है। ये जो लाल कलर का वायर दिखाई दे रहा है ये वाला, इसके अभी हम सॉकेट को बाहर निकालेंगे और ये दिखाई देगा। ये सॉकेट को हम निकालेंगे तो उसके लिए हमें ये लॉक को खड़ा करना पड़ेगा। ये अनलॉक होने के बाद इस तरह से ये सॉकेट आ जाएगा, और इसके अंदर ये जो लाल कलर का वायर है वही हमारा व्हीकल स्पीड सेंसर पे जाता है। तो ये थोड़ा सा हम इसको साइड करेंगे तो ये वायर दिखाई देने लगेगा, ये लाल वाला वायर, ये यहाँ से। तो ये मीटर के अंदर से आता है तो यहाँ तक सही है कि नहीं, उसके लिए हमें थोड़ा सा ये वायरिंग का जो कवर है उसको निकालेंगे तो वो दिखाई देने लगेगा। तो उसको हम निकाल लेते हैं थोड़ा सा, सॉकेट को टेपिंग किया हुआ है उसको थोड़ा कट मारेंगे तो निकल जाएगा इस तरह से। ये दिखाई दे रहा है ये लाल वाला वायर। अब इसको क्या करना है, यहाँ पे वोल्टेज आता है कि नहीं वो देखने के लिए हमें ये लॉक को निकालना पड़ेगा। ये लॉक है, इसको निकालेंगे तो ये सॉकेट बाहर आ जाएगा इस तरह से। इसको कट मार के ये इसमें फंस रहा है, इसको हम कट मार के निकाल लेते हैं। इस लॉक को जब हम कट मारेंगे तभी वो दिखाई देगा, तो इसको अब हम कट मार देते हैं। ये निकाल दिए पट्टी, और उसके बाद ये इसको इस तरह से आराम से बाहर खींच लेना। ये अंदर बैठा रहता है, ये इसलिए होता है गाइड के लिए कि अगर इसके बगैर भी हम इसको लगाएंगे तो पिन मुड़ जाएगा, तो ये गाइड के लिए होता है। इसको बाहर निकाल लेना है, लेकिन निकालने से पहले ये यहाँ पे फिटिंग रहता है इस खांचे में, तो इसको काट के निकाल देना है। अब ये जो है हमारा लाल कलर का वायर यहाँ पे दिखाई देने लगा है, ये देखिए इसमें वोल्टेज आना चाहिए। वो वोल्टेज जो है अभी हमने सॉकेट लगा हुआ में चेक किया था, ये सॉकेट जब निकाल देंगे बाहर यहाँ से तब इसमें वोल्टेज नहीं आएगा। तो अब इसको हम क्या, ये यहाँ पे चाबी ऑन करने के बाद इसमें 24 वोल्ट का करंट जाता है, तो यहाँ से हमने देख लिया। इसको लगाने के बाद यहाँ से छील के हम चेक कर लेंगे, ये यहाँ से ये लाल कलर के वायर को हमने यहाँ से छील लिया है। अब ये यहाँ मीटर में से आया है और चाबी ऑन करने के बाद इसमें पावर सप्लाई आती है। तो चाबी ऑन करने के बाद इसमें पावर सप्लाई अगर देखना है तो हमें यहाँ फिर से बैठाना पड़ेगा। हमने इसको सॉकेट को निकाला था ये देखने के लिए कि यहाँ पे निकल तो नहीं गया है, तो यहाँ से निकला हुआ नहीं है। तो अब इसके सॉकेट को हम बैठा लेंगे और इसको इसमें लगाएंगे और चाबी ऑन करेंगे, उसके बाद इसमें वोल्टेज आता है कि नहीं यहाँ से देख लेते हैं। ये हमने लॉक को लगा दिया है और इसको बैठा दिया है। बैठाने के बाद जो है इसको हम सॉकेट को पहले फिटिंग करेंगे। अब इसके हम चाबी को ऑन कर देंगे, ये यहाँ पे मीटर बोर्ड में पावर सप्लाई आ रहा है
लेकिन हमारे इस वायर के अंदर भी पावर सप्लाई आना चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर से ये जो वायर हमने छीला है अब यहाँ पे चेक कर लेंगे। ये मल्टीमीटर को हमने वोल्टेज पे रख दिया है। रखने के बाद अब इग्निशन को ऑन कर देते हैं, और ऑन करने के बाद जो है ये प्रोब हम यहाँ पे जो वायर हमने छीला है आउटपुट में, अभी ये रेड वाला व्हीकल स्पीड सेंसर को जाता है, इसमें वोल्टेज चेक करना है, और यहाँ से हम ग्राउंड ले लेंगे। अब ये देखिए मीटर दिखाओ, यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रहा है, तो इसको क्या कर, 0.002 दिखा रहा है, मतलब हमारा एक पॉइंट का भी, एक वोल्ट का भी वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो चाबी ऑन करने के बाद इसमें वोल्टेज आना चाहिए। तो ये मीटर के अंदर से इसका सर्किट हो सकता है डैमेज हुआ हो, तो हमारे पास दूसरा मीटर है, वो मीटर लगा के फिर इसमें वोल्टेज आता है कि नहीं हम चेक करेंगे इग्निशन ऑन करने के बाद। ये मीटर को हमने अलग कर लिया है, अलग करने के बाद से इसको हटा देते हैं, और ये नया मीटर हमने दुकान से लिया है। अब इसमें इसके वायरिंग सॉकेट को लगाएंगे, और लगाने के बाद चाबी ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद इस मीटर के अंदर से वोल्टेज निकल रहा है कि नहीं वो चेक करेंगे। अब ये मीटर जो है उसके जगह पे सही से हम पहले फिटिंग कर लेते हैं, और हमारा फिर इस तरह से सॉकेट भी चेक हो जाएगा। ये ग्रीन वाले, इसमें ग्रीन का सॉकेट लगाना है। ये हमने चेक करने के लिए नया मीटर मंगा दिया है, अब इसको सही से लगा के चेक कर लेंगे। ये नया मीटर लगाने के बाद अब इसका वोल्टेज चेक करेंगे। ये लाल वायर में 24 वोल्ट का प्रेशर आना चाहिए, तो ये हमने सटा दिया, तो 23.80। तो हमारा दोनों बैटरी का जितना वोल्टेज बनता है 23.80 आ रहा है, मतलब अब इसमें पावर सप्लाई आ रहा है। सॉकेट निकालने के बाद एक बार हम ये पीले वाले, ये लाल वाले में ये पॉजिटिव वायर है जो मीटर से आता है, इसके पहले इसमें करंट नहीं आ रहा था, अब आ रहा है। उसके बाद हम जो सफ़ेद वाले में रिटर्न सिग्नल में सॉकेट निकालने के बाद 3.5 वोल्टेज का करंट आ रहा था, वो भी कम था, ये अभी 5.15 वोल्ट का, ये देखिए 5.167 वोल्ट का करंट दिखा रहा है। मतलब अगर कभी भी सॉकेट निकालें तो इसमें पूरा 5 आना ही चाहिए, और वो कम आ रहा था, और यहाँ पे 0 वोल्टेज आ रहा था, अब यहाँ पे 23 वोल्ट का करंट दिखा रहा है। अब ये हमारा सर्किट पूरा होता है, लेकिन ये यहाँ पे टेस्टिंग पूरा हुआ, अब ये सॉकेट बाहर है फिर भी चेक लैंप आएगा, तो जब तक सॉकेट को लगाएंगे नहीं तब तक गाड़ी रेस नहीं होगी हमारी। तो अब हम वायरिंग को टेपिंग करके और लगा देते हैं, उसके बाद फिर गाड़ी को चला के देखेंगे। ये वायरिंग को हमने टेपिंग कर दिया है, टेपिंग करने के बाद सॉकेट को लगा दिया है, लगाने के बाद गाड़ी स्टार्ट करके इसका आरपीएम चेक करते हैं। ये इसका अब हम आरपीएम स्टार्ट करके चेक करेंगे, उसके पहले इग्निशन ऑन करके देखते हैं क्लस्टर मीटर पे पावर सप्लाई और कोई चेक लैंप आ रहा है क्या। ये सभी लाइटें आ गई, आने के बाद चली जाएंगी, अगर गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो ये लाइटें चली जानी चाहिए। तो अब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा आरपीएम पूरा जा रहा है, और साथ साथ में किलोमीटर भी चल रहा है, लेकिन एक बार हम गाड़ी को गियर में डाल के किलोमीटर सही चल रहा है कि नहीं वो चेक करेंगे। ये हमारा किलोमीटर भी चालू है,
अभी किलोमीटर चालू हो गया, आरपीएम पूरा रेस हो रहा है। अब इसको जो है, अब हम गाड़ी को एक बार ट्रायल लेके देखते हैं क्या बता रहा है, लेकिन उसके पहले हम इसका फोल्ड कोड डिलीट कर देंगे सब जो भी आया हो, उसके बाद गाड़ी का रोड ट्रायल लेंगे। ये गाड़ी का काम हो गया है, अब काम होने के बाद गाड़ी को हम रोड पे ट्रायल के लिए जा रहे हैं। ये अभी रोड पे हम ट्रायल में निकले हैं और गाड़ी का क्लस्टर मीटर भी देखते रहेंगे, आरपीएम कहाँ तक जाता है, किलोमीटर कहाँ तक जाता है, कोई चेक लाइट रनिंग में आता है कि नहीं। ये गाड़ी का किलोमीटर भी चालू है और इसका ये किलोमीटर और आरपीएम भी चालू है दोनों, और कोई चेक लाइट भी नहीं आया क्लस्टर मीटर पे। और अभी हम रोड पे ट्रायल में निकले हैं, जस्ट 2 मिनट हुआ है हमें और गाड़ी टॉप गियर ले चुकी है। इधर नीचे से जाने दो, पुल के नीचे से जाने दो, पुल के साइड से आराम से चलो। यहाँ से मोड़ लो, हाँ घुमा लो घुमा लो। अभी जाने दो बराबर, जैसे गाड़ी चलाते हो ना हमेशा ऐसे चलाओ, मैं बाकी मेरा रीडिंग वगैरह देखते रहूँगा। ये गाड़ी अभी ठीक ठाक चल रही है और इसके साथ साथ जो है ये हम इसका क्लस्टर बोर्ड भी चेक कर रहे हैं और अभी तक कोई लाइट नहीं आई है और किलोमीटर अभी 60 के ऊपर जा रहा है और आरपीएम 25 के ऊपर गया है, मतलब किलोमीटर भी सही चल रहा है, आरपीएम भी सही चल रहा है और गाड़ी भी सही चल रही है। और रनिंग में थोड़ा ड्राइवर से भी पूछ लेते हैं कि अभी कैसा है, अभी कैसा चल रहा है गाड़ी। 25 तक जाता है आराम, मजा लग रहा है चलाने के लिए। चलाने में मजा आ रहा है, ठीक है ऐसे ही मजा मारते रहो। तो अभी हम गाड़ी को एक ट्रिप मारने के लिए भेजेंगे और जब गाड़ी ट्रिप लगा के आ जाएगी तब उससे डिटेल भी ले लेंगे। ये अभी गाड़ी जो है पैंसठ की स्पीड में चल रही है और 2500 के ऊपर आरपीएम गया था और लगभग सब ठीक ठाक है।